नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार का दिन है। तृतीया तिथि आज देर रात 2 बजे तक रहेगी। आज रात 1:11 तक सिद्धि योग रहेगा। ये योग गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर मंत्र जपने का उत्तम योग है। साथ ही आज शाम 4:33 से रवियोग और राजयोग दोनों ही शुरू हो जाएंगे। राजयोग आज दोपहर 2 बजे तक रहेगा। वहीं रवियोग आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल शाम 6:29 तक रहेगा। इन सब के अलावा आज शाम 4:33 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूँ कि आज ये योग शाम 4:33 से रात 11 बजे तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग शाम 4:33 से कल सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त है शाम 4:33 से 5:58 तक और रात 8:15 से 1:59 तक। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 9:52 से 10:09 तक और दोपहर पहले 11:28 से दोपहर 1:23 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 फरवरी की सुबह 6:56 से 10:59 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 फरवरी की सुबह 6:58 से दोपहर पहले 11:16 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शाम 4:33 से 5:58 तक और रात 8:15 से 3:10 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:33 से 5:58 तक और रात 8:15 से 1:59 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 17 फरवरी की रात 11:18 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूँ कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा शाम 4:47 से 6:10 तक। मुंबई शाम 5:12 से शाम 6:38 तक। चंडीगढ़ 4:46 से 6:09 तक। लखनऊ 4:34 से 5:58 तक। भोपाल शाम 4:50 से 6:15 तक। कोलकाता 4:07 से 5:33 तक। अहमदाबाद शाम 5:09 से 6:35 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:46 से 6:14 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है,
तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के नए आसार खुल सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको फायदा दिला सकता है। ऑफिस के काम में आपके सामने कई चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने भविष्य के बारे में थोड़ा विचार विमर्श करने की जरूरत है। मीडिया तथा ऑनलाइन कामों से जुड़े बिजनेस में सफलता हासिल होगी। छात्रों को आज किसी कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर आ सकता है। आज अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बाहर का खाना खाने से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज किसी अपने से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। व्यापार में कोई नया एग्रीमेंट भी हो सकता है। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा ठहर जाएं। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपको नए स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी पुरानी बात को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन जीवन साथी के साथ बात शेयर करने से राहत महसूस होगी। आज माताएं अपने बच्चों को कुछ नया और अच्छा बना के खिलाएंगी। प्लास्टिक का व्यापार कर रहे लोगों को आज कोई नया ऑर्डर मिलेगा। शादीशुदा लोगों का जीवन खुशहाल रहेगा। बच्चे अपने नाना नानी के साथ समय बिताएंगे। लवमेट्स अपने साथी को कुछ उपहार देंगे। रिश्तों में ताजगी आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आप किसी समारोह में जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। ऑफिस का माहौल ठीक ठाक रहेगा। आज आपको आलस्य महसूस हो सकता है। आपको अपना खान पान हेल्दी रखना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों के साथ कहीं आसपास पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं। आपको अपने बॉस की बातों को ध्यान से सुनने के बाद ही अपनी कोई राय देनी चाहिए। कुछ मामलों में आप थोड़े भावुक हो सकते हैं, लेकिन बड़े भाई का साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आप खुद कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आपके सामने आप किसी के भी सामने अपनी बात खुलकर कह पाएंगे। आज सोशल मीडिया के जरिए आपकी किसी व्यक्ति से बात हो सकती है जो भविष्य में आपके काम आ सकता है। आपका सामाजिक दायरा बहुत हद तक बढ़ सकता है। दैनिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। किसी काम को नए तरीके से करने की सोच सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। साथ ही आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज परिवार में सबके साथ किसी खास मामले पर बातचीत होगी। पिता आपको कोई बात समझा सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आपको बिजनेस करने वाले लोगों को किसी बड़ी कंपनी से मीटिंग करने जाना पड़ सकता है। शाम को जीवन साथी के साथ घूमने की प्लानिंग करेंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज रोड क्रॉस करते समय सावधानी बरतें। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जिनको बीपी की समस्या है वो आज दवाइयां लेना ना भूलें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। किसी खास व्यक्ति से अचानक मुलाकात आपके करियर की दिशा को बदल सकती है, लेकिन आपको जिंदगी का कोई बड़ा फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। आपके कुछ खास काम बनते बनते अटक सकते हैं। कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपको कोई भी कार्य करने से पहले अपने से बड़ों की राय जरूर लेनी चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन हो सकता है। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं। आज सारे काम पूरे होने के बाद आप खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे।
आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है जो आपके भविष्य में बदलाव लाएगा। इस राशि के कारोबारियों को विदेश में काम करने का मौका मिल सकता है। धन के मामले में स्थिति बेहतर रहेगी। कला से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका प्रेम प्रसंग के प्रति अधिक झुकाव रहेगा। सेहत के मामले में आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। जीवन साथी आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी सुना सकते हैं जिससे आपका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। आपके खुशनुमा व्यवहार की वजह से लोग आगे से चलकर आपसे बात करना चाहेंगे। स्कूल के किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। आपके दिमाग में अचानक कोई ऐसा विचार आएगा जो आपकी प्रगति के रास्ते खोल देगा। सभी रुके काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आप किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं। आप किसी काम के लिए योजना बना सकते हैं। आप जिस किसी भी काम को करना चाहेंगे वो काम बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है। आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए समाज के कार्यों में सहयोग देना चाहिए। आप दूसरों के सामने अपनी बात को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। संतान की ओर से आपको सुख मिल सकता है। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज नौकरी पेशा लोगों को किसी अच्छी कंपनी से जॉब के अवसर मिलेंगे। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। माताएं अपने बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगी। इससे पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इस राशि के जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। सब कुछ आपके अनुरूप होगा। बच्चे बाहर का जंक फूड खाने से बचें। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज परिवार के किसी सदस्य से आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है। इसलिए आज अपने काम से काम रखने की कोशिश करें। आज आप नए खर्चों को लेकर सोच विचार में रह सकते हैं। आपको अपने खर्च पर लगाम लगाना चाहिए। आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। किसी काम से भागदौड़ अधिक हो सकती है। इससे आप शाम तक थोड़ा थकान महसूस करेंगे। आपको आसपास हर चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी छोटे बच्चे को मिठाई खिलाएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज साथ मिलकर दीप माला जलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज कोई नया काम सीखने को मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मूलांक 2, किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जो आपसे कोई नाराज हो। मूलांक 3, आपका कोई खास काम समय से पूरा हो जाएगा जिससे आप बहुत खुश होंगे। मूलांक 4, आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। उस खबर को आप सुनते ही मन प्रसन्न हो जाएगा। मूलांक 5, आज आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बच्चे भी आपसे खुश बने रहेंगे। मूलांक 6, किसी जरूरी काम से आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो आज जा सकते हैं। मूलांक 7, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप अच्छा मुहूर्त देखकर ही खरीदें। मूलांक 8, जिस चीज़ का इंतज़ार आप लंबे समय से कर रहे थे वो इंतज़ार आज खत्म होगा। मूलांक 9, आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे। आपका मान सम्मान लोगों में पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने मेन गेट के बारे में बात की थी और आज भी हम उसी कड़ी में आगे बात करेंगे। अगर आपके घर का मेन गेट पश्चिम दिशा में बना है और उसमें कुछ वास्तु दोष रह गए हैं तो गेट के पास तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी का पौधा घर से निगेटिविटी को दूर रखता है। और तुलसी के स्थान पर आप चमेली के फूल की बेल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप रोज सूर्यास्त के समय गेट के पास क्रिस्टल भी रख सकते हैं। उत्तर दिशा में बना है तो गेट पर सफ़ेद या ब्लू कलर का पेंट करवाना चाहिए। इसके अलावा भी मेन गेट के वास्तु दोष को दूर करने के लिए कई उपाय हैं। मेन गेट के दोनों तरफ हरे और लंबे पौधे लगाने चाहिए। साथ ही गेट पर ओम, श्री गणेश, स्वस्तिक, शुभ लाभ या मछली जैसे चिन्ह बनाने से भी वास्तु दोष दूर होते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार का दिन है। तृतीया तिथि आज देर रात 2 बजे तक रहेगी। आज रात 1:11 तक सिद्ध योग रहेगा। एक होता है सिद्धि योग और दूसरा है सिद्ध योग।
कोई भी कार्य सीखने की सोच रहे हैं तो इस योग में शुरुआत करेंगे तो सिद्ध होगा। ये योग गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर मंत्र जपने के लिए बहुत ही उत्तम योग माना जाता है। साथ ही आज शाम 4:33 से रवि योग शुरू हो जाएगा। रवि योग कल पूरा आज पूरा दिन पार करके पूरी रात पार करके कल शाम 6:29 तक रहेगा। ये योग बड़ा ही शुभ माना जाता है। सूर्य के प्रभाव वाला रवि योग बहुत ही प्रभावकारीशाली है। इस योग में किए गए कार्य को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, बल्कि सब अच्छा ही अच्छा होता है। रवि योग व्यक्ति को अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। इस दौरान किए गए कार्यों से सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान खरीदारी करना बड़ा ही शुभ होता है। इसके अलावा राजयोग में किए गए कार्य भी शुभ फल देते हैं। विशेषकर इस दौरान धार्मिक कार्यों से लाभ मिलता है। इन सब के अलावा आज शाम 4:33 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। फिलहाल बात करेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की। इस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों पर देवगुरु की कृपा बनी रहती है। आपको ये भी बता दूं कि आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूरा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। 12 राशियों में से पूरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण कुंभ राशि में और आखिरी 1 चरण मीन राशि में आता है। यानी कुंभ और मीन राशियों पर उनके जातकों पर पूरा भाद्रपद नक्षत्र का विशेष रूप से प्रभाव रहता है। जिस व्यक्ति का जन्म जिस किसी भी नक्षत्र में हुआ हो, उस व्यक्ति को उस नक्षत्र के दौरान उससे संबंधित पेड़ पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। ज्योतिष शास्त्र में भी इसका बड़ा महत्व है। जहाँ हवन आदि के लिए आम की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, तो वहीं किसी शुभ काम या पूजा पाठ के लिए जिस जल से भरे कलश की स्थापना की जाती है, उसके मुंह के चारों ओर आम के पत्ते ही लगाए जाते हैं। साथ ही हमारी संस्कृति में कई त्योहारों पर आम के पत्ते तोरण के रूप में लगाए जाने की भी परंपरा है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को आज के दिन आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उनको उसको प्रणाम भी करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को कभी भी आम के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। उनको आम के फल से बनी कोई चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए। आम रस, आम का पन्ना, आम का अचार या फिर आम पापड़, इन सब चीज़ों का सेवन हमेशा अवॉइड करना चाहिए। हालांकि पूरा भाद्रपद नक्षत्र के अलावा बाकी लोग आज के दिन जैसा चाहे कर सकते हैं। तो ये थी आज रवि योग, सिद्ध योग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र की चर्चा। और बात करते हैं आज किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप अपने आत्मबल और आत्मविश्वास को कायम रखना चाहते हैं, तो आज आपको घर के ईशान को यानी घर की उत्तर पूर्व दिशा में देशी घी का दीपक जलाना चाहिए और उसकी लौ देखते हुए 21 बार ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके जीवन में स्थिरता आएगी। अगर आप जीवन में नेगेटिव सिचुएशन से बचे रहना चाहते हैं, तो आज आपको भगवान विष्णु की पूजा के समय 5 गोमती चक्र लेकर भगवान के सामने रखने चाहिए और उनकी विधि विधान पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लेना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी निगेटिव सिचुएशन आपके करीब नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर परिवार की पॉजिटिव ऊर्जा धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आज के दिन आपको सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आज एक भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम के द्वारा या फिर सफ़ेद कोरे कागज पर लाल स्याही से या लाल पेन से सूर्य यंत्र का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक वर्ग की आकृति बनाइए और उस आकृति में 9 खाने बनाइए, यानी 3 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में 3 कॉलम खाने बनाने हैं। पहले कॉलम में बाईं से दाईं ओर 6, 1 और 8 लिखना है। फिर उसके नीचे वाली लाइन में क्रमशः 7, 5 और 3 लिखना है। इसी तरह आखिरी पंक्ति में 2, 9 और 4 लिखना है। इस प्रकार आपका यंत्र बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे आप धातु आदि पर भी यंत्र बना सकते हैं।
यंत्र तैयार होने के बाद उसे उचित स्थान पर स्थापित करके उसकी अच्छे से पूजा करके मंत्रों से सिद्ध करना चाहिए। सूर्यदेव का मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणी सूर्याय नमः। आपको इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। इस प्रकार मंत्रों से सिद्ध किए हुए यंत्र को आप उपयोग में ले सकते हैं। आप इस यंत्र को अपने घर के मंदिर में रखिए और रोज इसे धूप दिखाइए। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करना चाहते हैं, यानी उन्हें बिना किसी परेशानी के अच्छे से निभाना चाहते हैं, तो आज आपको ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और मंत्र जप के बाद श्री विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। जिस प्रकार श्री विष्णु इस जगत का पालन करते हैं, उसी प्रकार आप भी खुद पर निर्भर कर रहे व्यक्तियों का कुशलतापूर्वक पालन करेंगे और आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। अगर आप अपने काम में कुशलता एक्सीलेंस वर्क एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं, तो आज आपको अपने गुरु कुल पुरोहित या फिर किसी मंदिर के पुजारी का आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें पीले रंग की कोई वस्तु भेंट करनी चाहिए। गुरु को या मंदिर के पुजारी को पीले रंग की वस्तु भेंट करने से आपके कार्य में एक्सीलेंस बढ़ेगी, वर्क एक्सीलेंस कार्य कुशलता बढ़ेगी आपकी। और अगर आप घर के बड़े बुजुर्गों के साथ प्रेम भाव आदर भाव बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको श्री विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान को आम के रस का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में थोड़ा सा आम रस खुद भी ग्रहण करना चाहिए और घर के बड़े बुजुर्गों को भी देना चाहिए। लेकिन अगर आपको, हमने अभी भी बताया कि इस नक्षत्र में पैदा लोगों को नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोर्ट कचहरी में कोई अर्जी देना चाह रहे हैं लेकिन आपको कुछ ना कुछ परेशानी आती जा रही है, तो आज 5 गोमती चक्र लेकर उन्हें मंदिर में रखकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद उन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। निश्चित रूप से आपको कोर्ट कचहरी में विशेष लाभ होगा। अगर आप अपने पिता के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज सुबह स्नान आदि के बाद आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए और हाथ जोड़कर उनके मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इससे आपके पिता से अपने संबंध अच्छे हो जाएंगे। और अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं और तनाव में हैं, तो आज रवियोग में आपको 2 मुखी रुद्राक्ष की उचित विधि से पूजा करके उसे धागे में पिरोकर अपने गले में धारण करना चाहिए। इससे आपका मनोबल अच्छा होगा और आपको मानसिक झंझटों से मुक्ति मिलेगी। अगर आप अपने संतान के जीवन में लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज 11 कौड़ियाँ लेकर उनकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करके उन्हें आज पूरा दिन मंदिर में रखा रहने दें। अगले दिन उन कौड़ियों को वहाँ से उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने बच्चे के कमरे में सुरक्षित स्थान पर रख दें। इससे आपके बच्चे के जीवन में सब आनंद मंगल हो जाएगा। अगर आप अपनी व्यावसायिक यात्रा से अर्थ लाभ पाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज एक केसर की डिब्बी लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर अपने पास रख लें और जब कभी आप किसी व्यावसायिक यात्रा से बाहर जाएं, तो उस केसर से अपने माथे पर तिलक लगा कर जाएं। लेकिन अगर आप केसर ना ले सकें, तो आप एक डिब्बी में सूखी हल्दी ले लें। और अगर अपनी संतान की गतिविधियों के प्रति आपको हमेशा चिंता बनी रहती है, तो आज आपको एक नया पीले रंग का कपड़ा लेकर उसे अपनी संतान के हाथों से स्पर्श कराकर विष्णु मंदिर में चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। तो ये सारी चर्चा थी आज रवियोग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र, सिद्ध योग आदि के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। और आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आज दोस्त को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या दुश्मन आपका जो है वो बाजी मार लेगा।
किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आपके प्रोजेक्ट कार्य में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जिससे प्रोजेक्ट कार्य जल्दी पूरा होगा। बी, घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा, साथ ही पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। सी, पेंडिंग में पड़े हुए काम पूरे होंगे जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। डी, आपके कार्यों में बदलाव आएगा, ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद होगा। ई, कोई गुम हुई चीज़ आपको वापस मिलेगी जिससे आपको बहुत खुशी होगी। एफ, दूसरों की बात को आज अच्छे से सुनिए जिससे आपको उनकी बातों से कुछ सीख मिलेगी। जी, सामने आई समस्याओं को सुलझाने में आप सफल होंगे, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। एच, स्टूडेंट्स किसी भी तरह का परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं या किसी इंटरव्यू में जा सकते हैं। आई, आपका रुझान रचनात्मक कार्यों की तरफ रहेगा, किसी नए कार्य की प्लानिंग कर सकते हैं। जे, अगर आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो किसी शुभ मुहूर्त पर ही खरीदें। के, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, आपके कामों में कामयाबी हासिल होगी। एल, विद्यार्थियों के लिए दिन महत्वपूर्ण है, आपके करियर में कुछ बदलाव होगा। एम, पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी, किसी बेहतरीन जगह पर घूमने भी जाएंगे। एन, आज का दिन आपके लिए लकी रहेगा, आप जो भी चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। ओ, जो लोग मिट्टी के व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पी, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, पूरा दिन खुशियों से भरा रहेगा। क्यू, परिजनों से शुभ समाचार मिलेंगे और आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। आर, लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाएंगे। एस, किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आप किसी अच्छे मुहूर्त पर ही शुरू करें। टी, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, कुछ भी काम करें तो सोच समझ कर शुरू करें। यू, आय के नए स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी। वी, मनोबल का स्तर अच्छा रहने से आपके कार्य अच्छी गति से आगे बढ़ेंगे। डब्ल्यू, जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए आज का दिन फायदेमंद है। एक्स, घर में खुशियों का आगमन होगा, सभी लोग एक दूसरे से बहुत खुश बने रहेंगे। वाई, आपके व्यावहारिक प्रवृत्ति को देखकर लोग आपकी प्रशंसा करेंगे जिससे आप मन ही मन खुश होंगे। जेड, आज का दिन नई सौगात लेकर आएगा, आपके किसी काम में बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं अजमेर में पुराने सीताराम मंदिर के दर्शन। इस मंदिर में बहुत सुंदर राम दरबार मौजूद है, इसके अलावा यहाँ एक पवित्र शिवलिंग भी स्थापित है जिस पर जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ खास मौक़ों पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की रथ यात्रा निकाली जाती है और अजमेर के निवासी धन्य होते हैं। लोग दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन करने पहुँचते हैं, तो आप भी कीजिए घर बैठे अजमेर के सीताराम मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 14 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी खाने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। तृतीया तिथि आज रात 2 बजे तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 3:38 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है, अतः आज रात 2 बजे तक आपको परवल की सब्जी का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल रात 3:38 तक आपको मूली का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वः। वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गाय को रोटी खिलाइए, सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971-000-226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
माय गॉड।